जाता है तो बच्चों में एक अपने एनवायरनमेंट के प्रति किस प्रकार से जागरूकता लाए, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा एक उपक्रम नहीं हो सकता जहां बच्चों ने खुद रैली निकाली एनवायरनमेंटल इश्यूज के ऊपर, उन्होंने स्लोगन स्टैंड किए और ट्री सैपलिंग्स करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ वो सैपलिंग्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों के बीच ताकि किस प्रकार से ग्रीनरी अपने इलाके में हो। किस तरह से बच्चों का सपोर्ट रहा, लोग अलग अलग सामाजिक संस्थान के अलग अलग संस्थाओं से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक को पता है कि अपना अपना कर्तव्य समाज के प्रति क्या है, अपना अपना कर्तव्य निभाने के लिए कि बच्चे हमें ज़्यादा सिखाते हैं ना कि हम बच्चों को सिखाते हैं, और ये चीज़ आज साबित हुई। इतने सारे बच्चों को देखकर फॉर अ वेरी इम्पोर्टेंट कॉज टू सेव द एनवायरनमेंट, वाकई ऐसी दुनिया छोड़ जा रहे हैं बच्चों के लिए जो कुदरत हमें कभी माफ नहीं कर सकेगी। ये जागरूकता जो बच्चों के अंदर आज है वो इस और दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव शुड बी टेकन अप इन एवरी स्कूल। आई मस्ट से दो कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा जागरूक हैं, दे ऑल नो एनवायरनमेंट के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। And people like Ajay sir who do this kind of social activities and social encouragement, it's very important that other people also follow suit. And ma'am, sir, jis tarah se barish hui hai, main aap ka kehna chahe itna water logging ho puri Mumbai mein kam samay mein zyada barish hona, isko aap kaise dekh rahe hain? Pehli baat to main kehna chahti hu ye nature jo bana hai, ye insaan jo bhagwan ki sabse uch भगवान की सबसे उच्च या समझे वो सबसे प्यारी क्रिएशन के लिए बना है नेचर, ताकि वो इंसान को सस्टेन करे। तो आप देखिए कल इतनी बारिश हुई और आज ये वृक्षारोपण के लिए जो फंक्शन है उसमें बिल्कुल बारिश नहीं है, तो आप सोचिए कि नेचर भी हमारे साथ कैसे, अगर हम अच्छा काम करें तो कैसे हमारे साथ रहता है। रहा सवाल मुंबई की हालत का, ये बहुत शर्म की बात है, मैं पिछले 32 साल से मुंबई में हूँ और 32 साल से मैं हमेशा ये सुनती हूँ कि वी आर प्रिपेयर्ड, रेन्स आएंगे तो हम ठीक ठाक उसको हैंडल कर पाएंगे, हर साल यही होता है। आई थिंक इट्स वी हैव टू रियली लुक एट दिस डेवलपमेंट दैट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम। ब्रिमस्टोवाट का काम जो ख़त्म नहीं होता है, जो वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम ख़त्म नहीं होता है, डिसिल्टिंग ख़त्म नहीं होता है टाइम पे, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स ही इतने लेट देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्टर ख़त्म नहीं कर पाते। सो ये सब फर्जीवाड़ा जो है ये ख़त्म करना चाहिए, वी शुड नाउ टेक सीरियस एक्शन। आई थिंक पीपल शुड एक्चुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बिकॉज वी पे आर टैक्सेस। हम लोग, मुंबई ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स मुंबई से जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको इस तरह के कंडीशन मिलते हैं। आज देखिए एक आम इंसान को ट्रेन से सफ़र करना पड़ता है, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, मैं भी ट्रेन से ही जाती हूँ, लेकिन आज वो पैरालाइज हो गए, लेकिन उनको ऑफिस तो पहुँचना ही है किस तरह से। सो हाउ डज द गवर्नमेंट और हाउ डज द सिस्टम एक्सपेक्ट द नॉर्मल पर्सन टू यू नो फंक्शन देयर लाइफ इफ दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके मैम।